किशोर तिवारी जी, क्या आप लोगों ने तय कर रखा है कि रोज समीर वानखेड़े के खिलाफ हम कुछ ना कुछ खुलासा करेंगे, चाहे सच हो या झूठ हो, और पूरी पूरी जांच को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, डिरेल करने की कोशिश करेंगे? या आपको लगता है वाकई समीर वानखेड़े विलन है और वो एक्सट्रैक्शन का रैकेट चलाते हैं? देखिए, अभी आप आशुतोष, मैंने आपको 4 दिन पहले एक अपनी कार्यक्रम हुआ था उसमें कुछ बातें रखी थी। वो बातें उस वक्त मेरे ख्याल से अपन ने संडे को की, तो ये 2-3 दिन में बहुत सी बातें पब्लिक डोमेन में आ गई जो मैंने आपसे की थी। आज एक लेटर आया, जो लेटर देखो, वो लेटर आपने बोला कि पब्लिक डोमेन में हमने रखा, तो लेटर में जो बिंदु लिखे है, क्या वो बिंदु बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है? देखिए, अस्ताना साहब के साथ साथ जो समीर ने टीम बनाई थी और टीम बना के जो एक्सटॉर्शन करती थी, तो जिन जिन से एक्सटॉर्शन किया उनके भी नाम आए ना उसमें, और एक्सटॉर्शन में उनके भी नाम आए हैं, तो अब ये सब केसेस है ना, वेरिफिकेशन को जाना चाहिए। देखो आशुतोष, मैंने उसी दिन कहा था कि मैंने एक पिटीशन रखा है कि जिसमें इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी एनसीबी की चैलेंज की है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि एनपीटीएस कोड को ये जो फंडामेंटल राइट्स या पर्सनल लिबर्टी के बारे में अपडेट नहीं रहते, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। देखो, आज मुकुल रोहतगी ने जो कुछ भी आर्गुमेंट किया, और अभी हमारे जो और जो दो आर्यन खान के लिए जो लोग काम कर रहे थे, सतीश मानचिद्दे और देसाई, ये लोग भी अपनी बात रखेंगे और अनिल सिंह भी अपनी बात रखेंगे। अब तो ये बहुत ज्यादा ऊपर चले गई ये बात कि हाईकोर्ट मेरिट पर डिसाइड करेगा, क्योंकि इसी हाईकोर्ट ने नासिक का डिसीजन दिया है, इसी हाईकोर्ट ने इसके पहले कई डिसीजन दिए, और इसी मेरे को तो बहुत आश्चर्य लग रहा है, जिस एनटीपीएस कोर्ट ने इसके पहले सिमिलर केस में जमानत दी, यहां पर इनको क्या साक्षात्कार हुआ मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूं कि हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, हम समीर वानखेड़े, हमारा कोई एजेंडा ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ड्रग के जो माफियाज है उसको क्रैक किया जाए, लेकिन मैंने पब्लिक डोमेन में बहुत बड़ा सवाल रखा, क्या शाहरुख खान का बेटा ड्रग माफिया है, इंटरनेशनल पेडलर है, और ये समीर वानखेड़े के जो सवाल उठाए हैं उस पर तो जवाब नहीं देते। समीर वा आज उन्होंने बोला कि ये समीर वानखेड़े बाई बर्थ मुस्लिम है, और उन्होंने फिर पिताजी के जाति का एडवांटेज उठा के वो शेड्यूल कास्ट होके उन्होंने यूपीएससी में गलत कोटा के अंदर वो सिलेक्ट हुए। देखिए, मैं खुद पर्सनली जानता हूं कि बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाने से लोगों को सहानुभूति समीर वानखेड़े की तरफ जाएंगी, लेकिन कल एक पब्लिक डिबेट में जो चिल्ला चिल्ला के बोलने के लिए बहुत फेमस है, वहां पर उसकी पत्नी समीर वानखेड़े जी की, जो हमारी बेटी है, और उनकी बहन भी आई थी, तो मैंने यास्मीन को जब मैंने पूछा कि यास्मीन तुम मालदीप जाकर पैसे कलेक्ट करती थी, ऐसा आरोप है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने जब ऐसा करना नहीं चाहिए बोले, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। मैंने क्रांति रेडेकर को भी 2-3 बार कहा कि ये सब चीजें बहुत गलत हो रही है। बट किशोर जी, उनके फैमिली मेंबर से हमें क्या लेना देना या आपको क्या लेना देना? भाई, जो ये एनसीबी के बीच का सवाल है, आर्यन खान के सवाल का है, तो उनकी पत्नी के बारे में बात करना, उनकी बहन के बारे में बात करना, उनके पिताजी के बारे में बात करना, वो हिंदू है मुसलमान, इसके बारे में बात करना, ये कितना वाजिब है? नहीं, ये देखो, ये पहले तुमको लगता है कि ये कितना वाजिब है, जैसे तुमने उस दिन भी मुझे एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि एजेंसी अपना काम कर रही है उसको काम करने दो। अरे, एजेंसी वसूली कर रही है तो फिर भी हम नहीं बोले? अभी मुझे एक बताओ, तुमने ये बोला अगर बहन और पप्पा जाके मालदीप में पैसे कलेक्ट करे और फिर भी ना बोले हम? और आपके पास सबूत है? सबूत है आपके पास? है तो, अरे ये इन्होंने तो एनसीबी ने एक है ना, देखो समीर वानखेड़े ने कहा कि मैं और मेरे रिश्तेदार कभी दुबई और मालदीप गए नहीं। उसके बाद एनसीबी ने खुद ने प्रेस नोट निकाला, बड़ी प्यारी प्रेस नोट है, उसमें इसने मालदीप का टूर निकाला है। अब मुझे बताओ, ये सब चीजें इस केस से जुड़ी हुई है इसलिए डिस्कशन में आ रही है? मैं अभी बता रहा हूं, ये जन्मजात फर्जीवाड़ा करता है,
ये तथ्य अगर आते हैं, तो अगर अगर ये फर्जीवाड़ा, अगर ये फर्जीवाड़ा कर रहे, इनका परिवार फर्जीवाड़ा कर रहा है, तो आपके महाराष्ट्र पुलिस क्या करे, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करती? हाँ, ये बात अच्छी बोली। महाराष्ट्र पुलिस ने कल बैठक की है, और हम लोग तो नवाब मलिक जो जो तथ्य ला रहे हैं हाँ उस पे भी है, और आज जो कंप्लेंट आई है वो हमने डीजी को भी फॉरवर्ड की है। दूसरी बात जो प्रकाश साहिल ने दिया, प्रभाकर साहिल ने जो एफिडेविट दिया है, उसको हम एक्सटॉर्शन का केस बोल के रजिस्टर भी करेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे परमवीर फरार हो गए, वैसे समीर वानखेड़े फरार होने के पहले उनकी कस्टडी जर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज बहुत गंभीर हो चुकी है। क्योंकि 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ की उगवाई में दिल्ली में किस किस नेता को कितने कितने पैसे मिले, इसका रिकॉर्ड तो जनता को मिलना चाहिए ना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।